हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में बहुत सारी बाइक्स हैं और 200 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो हमें एक से एक बाइक बनाकर देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल थोड़े नॉर्मल से हो गए हैं, चाहे वो कितने ही फास्ट हों। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 वियर्ड बाइक की पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं और वो काफ़ी यूनिक है, चाहे वो बाइक हो बिना हवा वाली बाइक, जिसमें आपको लगेगा कि ये हवा में कैसे चल रही है, और चाहे वो एक हो कन्वर्टेबल फ्लाइंग सॉसर, जो रोड पर भी चलती हो और हवा में भी उड़ सकती हो, और या फिर ये बाइक जिसे देखकर लगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 10, काउसर। नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ये भी क्या कोई बाइक का नाम है, काउसर। तो हाँ जी, ये है एक ऐसी 80s की बाइक का नाम जिसका डिज़ाइन बिल्कुल हटके था उस टाइम पर, और बल्कि आज भी मॉडर्न बाइक से हटकर ही है, बल्कि जिस नज़र से आप एक बाइक को देखते आए हो उससे हटकर है इस बाइक का डिज़ाइन, जो समझ में नहीं आता कि इसे बाइक कहें या फिर कार। और ये उस टाइम में यानी 80s में तो एकदम स्पेसशिप के माफिक ही समझी जाती होगी पब्लिक को। तो काउसर एक ऐसा इनिशिएटिव था जो बताना चाहते थे कि फ्यूचर में कैसी होंगी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। तो ये बाइक एक ट्यूबुलर फ्रेम पर बनी है और इसमें 850 सीसी का इंजन है, जो कि एक और यूनिक सी थ्री व्हील कार लाइंट रोबिन से लिया गया था। और यहाँ तक कि इन्होंने इस हब स्टीयर्ड मशीन में Z1300 सिक्स सिलेंडर इंजन भी फिट कर दिया था। नंबर 9, लैजारेट LM847। फोर व्हील्स वाली गाड़ी को कार कहते हैं और टू व्हील्स वाली को बाइक जनरली, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो फोर व्हील्स होने के बावजूद भी एक बाइक ही है, द लैजारेट। एक इंटरेस्टिंग लुकिंग मोटरसाइकिल लैजारेट जानी ही जाती है अपने फ्यूचरिस्टिक बाइक इन्वेंशंस के लिए, और इस बाइक का लुक तो है ही खतरनाक, लेकिन इसमें जो इंजन है वो इससे भी ज़्यादा डेविल है, जो कि शायद ही किसी प्रोडक्शन बाइक में आज तक यूज़ हुआ होगा। इसमें मजराती स्पोर्ट्स कार का 4.7 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है, जो 400+ BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। और इस लैजारेट की बाइक का मॉडल है LM847, जिसमें 4 सिंगल साइडेड स्विंग आर्म्स हैं, हर एक व्हील के लिए एक स्विंग आर्म, और इसमें ब्यूल स्टाइल हब का इस्तेमाल करा गया है, और इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है कि शायद किसी बाइक की हो पूरी दुनिया में। नंबर 8, बोहमरलैंड। सबसे पहली नज़र में यह आपको ये कार्टून नोडी वाली बाइक लगेगी, पर यह वो बाइक नहीं है। यह है बोहमरलैंड, जो बनी थी चेक रिपब्लिक में 1924 से वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड तक, और इस बाइक की हर चीज़ प्रैक्टिकल है, जिसे काफ़ी तरह से यूज़ करा जाता था उस टाइम पर। कहने को ये टू व्हील्स थी, पर इसके फंक्शंस कई ज़्यादा थे, और ये बाइक एक ओवरहेड वाल्व सिंगल सिलेंडर के 600 सीसी के इंजन द्वारा चलती थी। और सबसे खास बात कि आप इस बाइक को 2, 3 और यहाँ तक कि 4 सीटर वेरिएंट में भी ले सकते थे, जैसे कि हमारी गोलमाल मूवी की बाइक है वैसे। नंबर 7, प्राविस मोनोट्रेसर। सबसे अजीबोगरीब बाइक में से एक बाइक ये भी है, प्राविस मोनोट्रेसर, जो एक 2-सीटर बाइक है एक जेलीबीन लाइक कॉकपिट के साथ। और ये अंडाकार बाइक 155 माइल यानी 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव कर सकती थी, और ये आज भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें BMW पावर्ड इंजन मिलता है, और ये अब वैसे फुली इलेक्ट्रिक आने लगी है, और आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी सस्ती है। हाँ जी, जब ये पहली बार लॉन्च हुई थी तो इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपीस थी, और इससे भी ज़्यादा अगर आप इसके हायर मॉडल्स खरीदते तो। नंबर 6, बॉक्स। हाँ जी, ये है एक और वियर्ड बाइक, एक सूटकेस वाली बाइक, और इसका नाम भी बॉक्स ही है, इसके स्क्वायर डिज़ाइन से जैसे दिखता है। ये एक इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन है अर्बन एरियाज के लिए, और इसके साइज सिर्फ 36 इंचेस जितना बड़ा है, और इसका वेट है मात्र 54 किलोग्राम, और ये इलेक्ट्रिक बॉक्स 56 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक जा सकता है। और टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इस सिंपल से दिखने वाले सूटकेस में आपको ऑल व्हील ड्राइव, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सिस्टम और एक ओवरसाइज LED डॉट लाइटनिंग मिलेगी, और ये सिर्फ एक आदमी यानी एक पर्सन को ले जाने के लिए ही बनाई गई है, जिसे आप $4,000 में खरीद सकते हो। नंबर 5, रॉक ऑन ट्रेल ब्रेकर।
रॉकऑन की शुरुआत 1960s में हुई थी, जो बनाना चाहते थे एक ऐसी रगड़ लाइट वेट मोटरसाइकिल जो आसानी से और जल्दी से रिपेयर भी हो जाए जब जरूरत पड़े, जो कि एक मिलिट्री पर्पस के लिए काफी यूजफुल चीज होती है जिसे जल्दी और आसानी से ठीक करा जा सके। और जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट होता है, ये ट्रेल ब्रेकर, मतलब कि ये हर एक ट्रेल्स या फिर टेरेन में जा सकती है बड़े ही आसानी से, चाहे वो रॉक्स हों या फिर वाटर या फिर मड। ये छोटी से ऑफ रोड बाइक कहीं भी बड़ी आसानी से निकल सकती है। और इस मशीन की सबसे ज़्यादा खास बात है इसके क्लेवर टू व्हील ड्राइव सिस्टम में, जिसमें कुछ चेन्स और स्प्रॉकेट की मदद से इसके इंजन की पावर दोनों टायर्स यानी फ्रंट और रियर व्हील्स में जाती है। और इसके हैवी से दिखने वाले ये बलून टायर्स इसको हेल्प करते हैं कि ये मड हो या फिर स्नो उसमें से बड़े आसानी से निकल सके। नंबर 4, TMC डूमाउंट। TMC डूमाउंट एक ऐसी बाइक है जो आपको देखने में एकदम फ्यूचरिस्टिक बाइक लगेगी, और ये बनाई गई है टार्सो मार्किज द्वारा। TMC डूमाउंट में सब कुछ है जो आप देखना चाहोगे एक बाइक में, बल्कि उससे भी ज्यादा ही है। इसके अंदर आपको एक एरोप्लेन का इंजन मिलता है जो 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसमें 1969 का एरोप्लेन का रोल्स रॉयस कॉन्टिनेंटल इंजन है, और इस बाइक के लिए ही स्पेशली एक CVT ट्रांसमिशन बनाया गया है। इससे इसमें कोई क्लच और ना ही गियर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और सबसे खास चीज जो आपको इस बाइक को देखते ही दिखेगी वो है इसके मैसिव 36-inch हबलेस व्हील्स, जिससे इस बाइक में एक अलग ही लुक आ जाता है। और ये एक जीता जाता आर्ट है किसी बाइक के रूप में, लेकिन ये 100% कोई प्रैक्टिकल बाइक तो नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि कितने पास बैठा है ड्राइवर रियर व्हील के, बस इंच भर का ही फासला है, और इसको टर्न करना भी कितना मुश्किल ही होगा। लेकिन जो भी है, ये एक जीता जाता एक बाइक का नमूना है जो कि एक इमेजिनेशन से परे है, यानी देखने में ही लगता है कि कैसी कोई फ्यूचरिस्टिक बाइक है। नंबर 3, MTT 420RR। MTT एक और ऐसी मोटरसाइकिल है जो जेट इंजन के साथ आती है, और वो भी इस बाइक में एक हेलीकॉप्टर का इंजन लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा अजीब बात इसके नाम में ही है, इस मॉडल के नेम है 420RR, और RR मींस रेस रेडी। तो भाई इस बाइक से कौन रेस करेगा, एक फाइटर जेट। और ये बाइक माइंड बॉगलिंग 420 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, जो अपनी निंजा H2R से भी ज्यादा है। और इसको टेस्ट करने के लिए तो आपको बस एक बहुत ही लंबा रोड चाहिए होगा, तो लग जाइए उस लंबे रोड को ढूंढने के लिए। नंबर 2, Motegi TS3। ये नंबर 2 वाली बाइक तो बिल्कुल ही यूनिक है, क्योंकि हम सबको पता है कि नेचुरल वे में या फिर बेसिक वे जो होता है मोटरसाइकिल का फ्रंट एंड, वो कैसा होता है, उसमें एक दो फोक्स होते हैं और एक व्हील होता है जिसे वो हब से कनेक्ट होता है। लेकिन इस बाइक की फिलॉसफी बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि इस बाइक ने मोटरसाइकिल के बेसिक फोर्क फील वाले सिस्टम को ही चेंज कर दिया है। इस बाइक के अंदर एकदम यूनिक सस्पेंशन सिस्टम है, और हब सेंटर स्टीयरिंग मेथड का इस्तेमाल करा गया है, और बाइक का फ्रंट स्विंग आर्म भी है जो फ्रंट एक्सल से कनेक्ट है, और फिर एक अपर कंट्रोल आर्म से जुड़ जाता है, और इसकी फ्रंट एंड इसी वजह से एकदम यूनिक है, और इसलिए ये हमारी लिस्ट की नंबर 2 वियर्ड बाइक है। नंबर 1, लेजरेथ मोटो वोलांते। एक और मशीन लेजरेथ टीम की तरफ से इस लिस्ट में। तो मोटो वोलांते एक ऐसी सबसे पहली मशीन है जिसे हम जानते हैं कि वो सच में ट्रांसफॉर्मर्स की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक मोटरसाइकिल से एक उड़ने वाली गाड़ी में, और फ्लाइंग व्हीकल से फिर से एक मोटरसाइकिल में। तो है ना ये कितना फ्यूचरिस्टिक और कितना वियर्ड भी, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में उड़ती भी है। तो ये बाइक वैसे रोड पर तो इलेक्ट्रिक पावर से चलती है, और उड़ने के लिए इसमें जेट टर्बाइन छुपा रखे हैं इसके व्हील्स में। और जब राइडर इस फैंसी से दिखने वाली मशीन के पर खोलता है तो आपको इसके जेट इंजन विजिबल होते हैं, और बाइक ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फ्लाइंग व्हीकल में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 60 सेकंड में हो जाता है। और इसकी जेट टर्बाइन प्रोड्यूस करती है 2800 Nm की थ्रस्ट, जो इस बाइक को हवा में उड़ाने के लिए काफी है, और 1300 BHP की पावर। और इस बाइक के दोनों साइड भी 2 स्मॉल जेट इंजन लगे हैं, जिससे वो जेट टर्बाइन इसको फॉरवर्ड या आगे धक्का दें। और आप जरूर जानना चाहते होंगे कि इस उड़ंत स्तरी या फिर बाइक की क्या प्राइस होगी। तो इसकी प्राइस ज्यादा नहीं, बस कुछ 4.5 करोड़ रुपीज है, वो तो मामूली सी रकम होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं, और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।